इंट्रो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, मैं राहुल झा, स्टेप बाय स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपका पहला इंग्लिश का पेपर था और सबको फ्री में 6 मार्क्स बोर्ड वालों ने बांट दिए हैं। सब लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स ने आज पेपर अटेम्प्ट किया है, वहां पर 6 मार्क्स आपको फ्री में बांट दिया गया है। तो आज आपको पता है कि आपने 12th स्टैंडर्ड का पहला जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, आज से स्टार्ट हो रहा है। और आज ही बोर्ड एग्जाम ने सबसे बड़ा एक ब्लंडर कर दिया है इंग्लिश के पेपर्स में। आपका पेपर्स तो काफी इजी गया होगा, क्योंकि पेपर्स चेक किए सारे स्टूडेंट्स ने, कमेंट्स भी आए काफी सारे कि भाई पेपर्स बहुत इजी था, जो भी सिखाया गया था सॉल्व किया है सब सारे स्टूडेंट्स ने। जो ब्लंडर की मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो बोर्ड का पेपर है, इसमें पेज नंबर 10 जो है बोर्ड के आंसर शीट, आपके क्वेश्चन पेपर में पेज नंबर 10 के ऊपर पोएट्री सेक्शन में जो सेक्शन 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 के A3, A4 एंड A5, ये 3 जो क्वेश्चन हैं, आप सबने देखे, आपने रीड करने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि भाई इसका आंसर क्या है, समझ ही नहीं पा रहे थे बच्चे कि भाई क्वेश्चन क्या है इसका, किस तरह आंसर देना है। A3 जो है एक्सेप्ट एंड रीजनेबली करेक्ट आंसर, तो ये एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो पेपर्स चेक करते हैं, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आंसर बुक में, तो वो था। और ये जो पोएट्रिक डिवाइस है A4 का, पोएट्रिक डिवाइस वाला, ये फिगर ऑफ स्पीच का एक पूरा आंसर दिया गया। और सेम A5 में कंपोजिंग लाइन, एक्सेप्ट एनी रीजनेबली करेक्ट आंसर्स, तो ये क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के लिए थे, 3 क्वेश्चन जिसमें बोर्ड ने मिस्टेक किया है, तो आगे जाके जो भी एक्शन होगा वो तो होगा उनके ऊपर, कल के रिपोर्ट्स में आप देख लेंगे, न्यूज चैनल्स वगैरह पे देखेंगे कि आप भाई बोर्ड ने ऐसा ऐसा कर लिया, आज ही रात को दिख जाएगा आपको। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इसको अटेम्प्ट किया है या तो अटेम्प्ट करने का कोशिश भी किया है, तब जाकर आपको 6 मार्क्स 2, 2 एंड 2, यहाँ पे 2-2 मार्क्स करके 6 मार्क्स आपको फ्री में क्रेडिट किए जाएंगे। क्योंकि ये बोर्ड का रूल है कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सेट गलत किया है, तो फिर उस क्राइटेरिया में, वैसे सिचुएशन में, स्टूडेंट्स को सारे के सारे मार्क्स फ्री में दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर 6 मार्क्स है अगर आपने अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट करना मतलब क्या, कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर अटेम्प्ट किया है सर, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के छोड़ दिया है मैंने सर। तो मैंने आपको बार बार ये कहा था पहले भी, जब आपके साथ मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था, जब मैंने पढ़ाया आपको इंग्लिश, जब भी मैंने ये बोला है कि हर एक क्वेश्चन को आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना है, आपको वो आए ना आए, ना आए तो कुछ भी लिख तो चलेगा, अटेम्प्ट तो करना ही है, कोई भी आंसर ऐसे छोड़ के नहीं आना है। जिसका फायदा, जो लोग ने मेरे लेक्चर को सुना हुआ ढंग से, आज उसको आपका फायदा पता चला कि मैं ऐसा क्यों बोलता था। तो उम्मीद है कि आप सबने इसका क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट लिखा है, क्वेश्चन नंबर भी लिखा है ना तो भी मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नहीं जिसने लिखा है कि सर समझ नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिया, मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा ही नहीं, तो भाई गए, मार्क्स वहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखने वालों को और जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कुछ भी लिखा है आंसर में, मार्क्स मिलेगा। कल आपका हिंदी का पेपर है, उसके बाद जैसे जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए, जो भी आगे जाकर ऐसे बोर्ड अगर कुछ करता है, या तो जो भी न्यूज बुक के आते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं बता दूंगा। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।